नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चुकंदर का हलवा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दो चुकंदर लिए हैं, इनको छील कर धो कर कद्दूकस करेंगे। तो वो हमने पहले से ये चुकंदर इतनी ही मात्रा में कद्दूकस करके ले लिए हैं। हलवा बनाने के लिए पैन गर्म करेंगे। पैन में 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम ये कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इन्हें बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे, जिससे ड्राई फ्रूट में खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे। 8-10 बादाम कटे हुए और 10-12 काजू काट कर ले लिए हैं। कुछ काजू को हमने 2 टुकड़ों में काटा है और कुछ काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काजू का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ड्राई फ्रूट भुनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हमने इन्हें बस 1 मिनट लगातार चलाते हुए भुना है। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी मेल्ट हो गया है, घी में कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डाल देंगे और इसे मीडियम आग पर लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट भून लेंगे। ये चुकंदर को हमने पूरे 3 मिनट घी में भून लिया है। हमने 300 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध लिया है, मिक्स कर देंगे और पहले हम इसे ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे चला देते हैं। अब हम हलवा को खुले ही थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे, गैस मीडियम रखेंगे। जब तक हमारा ये हलवा बन रहा है, हम अपनी इलायची को कूटकर पाउडर बना लेते हैं। ये हमने 6 इलायची लिए हैं, इनको पहले तो हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और अब छील कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। हलवे का पूरा ध्यान रखेंगे, हम इसे हर 1 मिनट में चलाएंगे। चुकंदर दूध के साथ पककर गाढ़ा दिख रहा है, अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने 1/2 कप चीनी ली है। चीनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने 1 टेबल स्पून किशमिश लिए है, ये डाल देंगे तो थोड़ा सा ये जूस सोख कर फूल जाएगी। और हलवा को खुले ही थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे, लेकिन चलाने का बराबर ध्यान रखेंगे। हलवा अच्छा गाढ़ा दिख रहा है, हलवा बन चुका है। हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इलायची का दरदरा कुटा हुआ पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। हलवा बनकर तैयार है। हमने इसे खुले में 15 मिनट पकाया है, यानी टोटल 25 मिनट में हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। और हलवा जल्दी बने, इसके लिए हम इसे चौड़े बर्तन में पकाएं। गैस बंद कर देते हैं, हलवा को प्याले में निकाल लेते हैं। चुकंदर का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है और बड़ी आसानी से बन गया है। हलवे के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर हम इसकी गार्निश कर देते हैं। हलवे को पूरी तरह ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखा जा सकता है और पूरे 7 दिन तक इसे खा सकते हैं। तो आप ये हलवा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।